Today, I say thanks to Dr. Rakesh that he gave me the chance. और सबसे जो अच्छी बात जो डॉक्टर साहब ने आपसे शेयर किया, फर्स्ट टाइम जब मैं कोटपुतली आया था एंड आई ज्वाइंट दिस राजस्थान इंटरनेशनल स्कूल, फर्स्ट जो हमारा मीटिंग हुआ डॉक्टर साहब के साथ, आई रिमेम्बर दैट डे फॉर दिस वर्कशॉप डॉक्टर पेरेंट्स रिलेशनशिप. सो एट द फर्स्ट इंस्टेंट I say yes, because this is the burning question in this society. और सबसे जो ज्वलंत जो आज का जो question है वो यही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ. मैं डिप्टी एसपी की बात को थोड़ा सा आगे लेके आता हूँ कि सबसे पहले बेटी को पढ़ाओ. सबसे पहले जो एजुकेशन की बात है, जो इस तरह के जो सेमिनार हम रख रहे हैं उसमें सबसे बड़ा जो वर्ड है एजुकेशन, और एजुकेशन का ही हमारा मकसद है, चाहे वो बेटी को लेकर के हो चाहे वो बेटे को लेकर के हो. और एजुकेशन जो हमारा वर्ड है वो फिफ्थ नंबर पर आता है. ए फॉर एटीट्यूड, हमें अपना एटीट्यूड बदलना है, चाहे वो हम एक पेरेंट के रूप में है, चाहे एक डॉटर के रूप में है, चाहे एक सन के रूप में है, चाहे और वी आर द मेंबर ऑफ द सोसाइटी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज अवर एटीट्यूड. इफ वी डोंट चेंज अवर एटीट्यूड नथिंग can happen. Either we organize millions of seminars, be for believe, हमें विश्वास करना है. We have to keep the belief in our children, in society. हमें विश्वास नहीं है अपने बच्चों पर और बच्चों को parents के ऊपर. वो क्यों नहीं है? That is also due to this modernization. आज एक बच्चा खाना मांगता है, मम्मा भूख लगी है, लंच चाहिए, स्कूल से आया हूँ. मम्मा का बड़ा फेवरेट सीरियल आ रहा है, उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया कि तुम मोबाइल देखो तब तक मैं थोड़ा सा जस्ट एडजस्ट. आप सोचिए क्या वो एक बॉन्डिंग होगा, क्या वो रिलेशनशिप बनेगा एक पेरेंट और बच्चों के बीच में. बड़ा बच्चा है, ट्वेल्थ उसने किया, पेरेंट्स को बोलता है, जिद करता है, मुझे कोटा जाना है. मैं सबकी बात को बड़ा करता हूँ, मुझे कोटा जाना है. For what purpose you are going to Kota? For the NEET coaching, for IIT coaching. Okay, go. Some parents they also approach to me, sir, give me the TC. Okay, my work is going there. मैं उनको एक बात बोलता हूँ, अच्छी बात है आप coaching के लिए जाइए. I'll not stop, but मेरी एक बात का answer दीजिए. क्या आप ये सोचते हैं कि आपके बच्चे के अंदर जो हमने 16 years के अंदर अप टू 10th जो संस्कार पैदा किए हैं वो आप 11th आपका बच्चा जिस भी जगह जा रहा है आप वहां साथ नहीं है, आप उसको मोबाइल फोन देंगे? उस आपका बच्चा बहुत अच्छा है, उसका एटीट्यूड बहुत अच्छा है, आपको बिलीव भी है उसके ऊपर, लेकिन क्या जिस सोसाइटी में जिन बच्चों के साथ वो होगा क्या वो बच्चे आपके पैरामीटर्स के ऊपर है? ये भी एक गंभीर चुनौती है पेरेंट्स के लिए. कल भी मेरे पास एक पेरेंट्स आए कि सर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा 11th और 12th आपके यहीं से करे क्योंकि उसने एक अच्छा स्कोर यहाँ किया है, बट बच्चे की जिद है, उसके फ्रेंड्स की जिद है कि नहीं सीकर जाना है. यानी आज हमारे पेरेंट्स बच्चों की जिद के ऊपर इतना झुक जाते हैं, शायद मेरे ख्याल से एक फलदार वृक्ष भी इतना नहीं झुकता होगा. दूसरी सबसे बड़ी चीज जो थर्ड पॉइंट है मेरा, सी फॉर कॉन्फिडेंस, कि आज कहीं कहीं हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, चाहे वो स्कूल के प्रति हो पेरेंट्स का, चाहे वो बच्चों का कॉन्फिडेंस पेरेंट्स के प्रति हो, चाहे वो टीचर्स का पेरेंट्स के प्रति, कहीं कहीं हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है. एंड द मेजर रीजन इज द डिफरेंट काइंड ऑफ द एक्टिविटीज दे आर जस्ट इन अवर सराउंडिंग्स. आप अर्ली इन द मॉर्निंग जो न्यूज पेपर पढ़ते हैं उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ते हैं. तो डॉक्टर साहब ने पहले डिस्कस भी किया था, आई नॉट टेक टू मच टाइम जस्ट टू डिस्कस ऑन दैट, कि वो सारी चीजें आज हमारा बच्चा उस पूरे मसाले के साथ हमारे स्कूल में आता है, समाज के अंदर होता है. सबसे बड़ी चीज जो पेरेंट्स की जो एक प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं, बच्चे को आप सुधार दो, ठीक है जी हम सुधार देंगे, कैसे सुधारें? फिर आप क्यों नहीं सुधार सकते? मेरे पास तो आपका बच्चा 6 घंटे, जब 18 घंटे आपके पास है तो आप क्यों नहीं सुधार सकते हैं? क्या करें जी, बच्चा हमारा कहना नहीं मानता,
क्या करता है बच्चा? टीवी देखता है, बच्चों के साथ घूमता है, पूछता नहीं है, स्कूटी लेकर के जाता है, मोबाइल पर रातों लगा रहता है। आप बताइए, मोबाइल आपने दिया, स्कूटी आपने खरीदा है, आपका बच्चा, टीवी आपका है, स्कूल का क्या रोल है उसमें? बट बच्चा कहना नहीं मानता है। क्यों नहीं कहना मानता है? कहीं कहीं क्या स्कूल जिम्मेवार है या पेरेंट्स जिम्मेवार है? उसके लिए भी कहीं कहीं पेरेंट्स की जिम्मेवारी है कि बच्चा उस हद तक क्यों आया कि उसने अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट किया है। क्यों? क्योंकि कहीं कहीं उसने भी अपने पेरेंट्स की उस एक्टिविटीज को देखा है कि उसको वो कॉन्फिडेंस लूज हो गया अपने पेरेंट्स से। एंड फोर्थ वर्ड इज डी फॉर डिसिप्लिन, कि डिसिप्लिन खत्म हो गया है, चाहे वो समाज का डिसिप्लिन हो, चाहे वो मैं अपने स्कूल की बात भी करूं, चाहे वो स्कूल का डिसिप्लिन हो, चाहे वो घर का डिसिप्लिन हो, हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती है, बच्चों में और पेरेंट्स में नहीं बनती है, अड़ोस पड़ोस में नहीं बनती, हर जगह डिसिप्लिन एक खत्म हो चुका है। और उसका जो मेजर रीजन है वो कहीं कहीं घर से स्टार्ट होता है। कोई भी संस्था कभी अपने डिसिप्लिन को खत्म नहीं करती है, वो डिसिप्लिन को मेंटेन करती है, किसी भी बच्चे के अंदर वो गुण उसके अंदर डालती है। तो मेरे ये तो चार पॉइंट्स हैं, ए बी सी डी, यही एक एजुकेशन की ए बी सी डी है। अगर हम एटीट्यूड को चेंज करें, अगर हम अपने बच्चे के अंदर बिलीव करें, सिस्टम में बिलीव करें, कॉन्फिडेंस रखें और बच्चे को डिसिप्लिन में रखें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बेटी की